अच्छा कोरोना बात है कोरोना की, तो कोरोना की आड़ में चुनाव हो जाता है और ये एग्जाम नहीं हो पाता है, आखिर क्यों? एक मान लीजिए कि एनटीपीसी या ग्रुप डी में, ग्रुप डी में या एनटीपीसी में मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ लड़के हैं, जबकि चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है अभी, इसमें 20 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है। इस वक्त मैं बनारस में हूँ, बनारस में हूँ, यहाँ पे एनटीपीसी के छात्रों से बात करेंगे। इन्होंने जो इस बार पेपर दिए हैं, छात्रों का आरोप है कि इस बार उनके साथ में एनटीपीसी ने धांधली किया है, तो ये लगातार आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल एनटीपीसी जो है कि खान सर पर एक्शन ले चुका है, खान सर पर दर्ज हो चुके हैं। आइए हम एनटीपीसी के छात्रों से बात करते हैं, तो ये इस बार एनटीपीसी को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह से उनके साथ धांधली हुआ है? हाँ भैया, क्या बात है? मैं पिछली बार भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और इस बार भी एनटीपीसी का एग्जाम दिया हूँ और आने वाला आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी फॉर्म भरा हूँ। सर, इससे पहले कि आरआरबी ग्रुप डी का भी मुद्दा उठाया जाना चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का, अभी तक बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका कि ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। आखिर ये ज्वाइनिंग 2018 वालों का कब होगा? और बात एनटीपीसी की है, एनटीपीसी की एक एक लड़का को 4-4 सीट पे क्या जरूरत है? एक ही लड़का को 4-4 बार रोल नंबर दिखाने की, अब बोल रहे हैं कि 20 महीना रिजल्ट दिया है। मतलब कि एनटीपीसी में धांधली इस तरह से हुआ है कि एक सीट पे 5-5 लड़कों को दिखाया गया है, 5-5 लड़कों को दिखाया गया है। और एक बहुत जो ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, पता नहीं चलता है कि इसमें किस लड़के को किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिला है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो किसी लड़के का 90 से सीधे, बात करते हैं 85 से 85 कैसे हो जाता है, 50 नंबर से सीधे 85 कैसे पहुंच जाता है, और किसी लड़के का 70 से 68 कैसे आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें सर, ये जो रेलवे के अधिकारी बोल रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है, धांधली तो अंदर अंदर हो रहा है। पहले ये होता था कि थोड़ा बहुत जान लीक होता था, आजकल तो ऊपर के जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं चलता है कि नॉर्मलाइजेशन है या ये जो बड़े उनके जो खास लोग हैं उनके लिए केवल जो जिसको चाहते हैं उसी को उसी की नौकरी देते हैं केवल। अच्छा है, बताइए कि जब फॉर्म भरा गया था तो आप लोग से कहा गया था कि नोटिफिकेशन आता है कि इस बार ग्रुप डी में 2 एग्जाम होगा, CVT1 और CVT2। ये सर, ये मेरा नाम आदेश मर यादव सर। जी सर, मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से ये एक और आवाज उठनी चाहिए कि 20 दिन में कोई लड़का कैसे CVT1 और CVT2 की तैयारी कैसे करेगा, और क्वेश्चन का लेवल आज ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आपको 2 पेपर देना। जी जी, थोपा जा रहा है। और बात यही नहीं है कि आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी, न्यू वैकेंसी कब आएगी रेलवे में, इस पे भी आवाज उठनी चाहिए। सरकार से ये जरूर अनुरोध है कि जो आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में एग्जाम कैलेंडर जारी करे, समय समय पर न्यू वैकेंसी लाए, ग्रुप डी और एनटीपीसी नहीं रेलवे में नई भर्ती लाए, और नहीं समय से कम 6 महीने साल भर के अंदर उसकी पूरी प्रक्रिया के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे। इसके जी जी सर, बता रहा कि खान सर पर FIR हो गया है, आप खान सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत कहना चाहेंगे। खान सर बहुत अच्छे सर हैं, अच्छा। जो सारे स्टूडेंटों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं है। जिसमें दो लोग FIR बारे में कर रहे हैं उनके ऊपर, आप बता रहे थे अभी कि 12 FIR दर्ज उनके ऊपर हो चुका है, 12 धाराओं में उनके ऊपर FIR हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, उनको उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, फंसाया गया उनको, उनको फंसाया गया। अच्छा, जो ट्रेन पर जो सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगाई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसमें जो है कुछ लोग अराजकता तो पीछे से आ सकते हैं, उसमें उसकी जो है कि छानबीन पुलिस वालों को करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आड़ में कोई भी कुछ अपना हाथ सफाई कर सकता है, उसके लिए हम लोग स्टूडेंट जिम्मेदार नहीं है ना, कोई टीचर जिम्मेदार है। 300 करोड़ लगभग 3 करोड़ मान लिए कि 1.5 करोड़ NTPC मोटा मोटी और 1.5 करोड़ ग्रुप डी, मोटा मोटी मान लिए 2.5 करोड़, और 2.5 करोड़ से 500-500 रुपये लेकर आज 3 साल से सरकार बैठी है, उसका ब्याज कितना होता है? मान लीजिए कि एक ट्रेन जला दिया लड़का, कोई लड़का एक दो गलती कर दिया तो एक ट्रेन जला दिया, लेकिन सरकार उसका हिसाब क्यों नहीं दे रही है, जो कि 500 रुपये
तीन लगभग मोटा मोटी 2.5 करोड़ 3 करोड़ लड़के हैं उनसे 500 रुपये लेकर, जो अभी तक 3 साल से उनका जो मान लीजिए टैक्स होता है या कितना रुपये ब्याज हो उसका भी तो हिसाब दे दे, मान लीजिए कि अगर ट्रेन में फंसाया जा रहा है। अच्छा लड़कों को प्रयागराज में जो है कि लॉज में वीडियो में साक्षात देखा गया है, अब पूछते हैं कि जिनका दोस्त नहीं था उन्हें भी पुलिस बर्बरता के साथ पीटी है। हाँ बोलिए सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। हाँ तो ये बताइए कि खान सर में एफआईआर हो गया है, खान सर मतलब आप लोग के लिए युवाओं के लिए जो आजकल तैयारी करते हैं युवा उनके लिए खान सर आइडियल उनका एफआईआर हुआ, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए खान सर तो बच्चों के लिए आइडियल ही है, वे बच्चों के लिए बहुत सारा मतलब हम लोग के लिए कहे तो हम लोग के लिए बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों के लिए मतलब अनेक प्रकार की शिक्षाएं मित्र देते हैं, अनेक प्रकार के मतलब जो भी कार्य RBI NTPC ग्रुप डी के लिए जो एक काम किए हैं वो हम लोग मतलब छात्र के जितने भी छात्र थे NTPC के एग्जाम दिए थे उनके पक्ष में बहुत टीचर आ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब कि जो RRB ने किया वो गलत है? हाँ गलत है। अच्छा जब RRB जो मतलब रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें आप लोग से क्या कहा गया था कि पेपर कितने दिनों बाद होंगे? 2 से 3 महीने बाद नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने में आ जाएगा, कितने दिनों बाद पेपर हुआ? 2019 में मार्च में पहले फॉर्म भरा गया था और उसके जून तक पेपर होने की संभावना थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बोलते हैं कोरोना लटका दिया उसको और ठीक है कोरोना हो गया तो उसके बाद हमारा नोटिस। ऐसे कितने पेपर है जो लटके हैं अभी भी मतलब पेपर हो चुके हैं उसके रिजल्ट नहीं आए, तमाम तरह के मतलब प्रोटेस्ट करने के बाद डेट जारी हुआ है। कुछ पूछा वो अपने स्वयं से जारी नहीं किए डेट, हम लोगों ने मिलकर ट्विटर पे जो है प्रोटेस्ट किया उसके बाद उन्होंने डेट दिया, फिर डेट देने के बाद जो है कि एग्जाम देने की 23 फरवरी को उन्होंने एग्जाम की डेट रखा था और 20 दिन पहले उन्होंने क्या किया उसमें CBT 1 CBT 2 लागू कर दिया। क्या बताइए हम लोग 20 दिन में CBT 2 और CBT 1 का तैयारी कर सकते हैं? जो ये सब जो करना था आप लोग से पहले में नोटिफिकेशन दिया गया था कि आप लोग को 2 पेपर देना होगा? नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं नोटिफिकेशन था इसके पहले, उन्होंने जब एग्जाम दे दिया फिर जो NTPC का रिजल्ट जारी किया उसमें कटाव इन्होंने 100 में 96-97 तक पहुंचा दिया कटाव, जब बच्चों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी बात है इसमें अगर ज़्यादा बच्चे हैं जैसे RRC ग्रुप डी में बच्चों ने फार्म डाला 1 करोड़ 15 लाख लगभग हैं ग्रुप डी का, उन्होंने सोचा कि रेलवे ग्रुप डी का कहना है हमारे रेल मंत्री कह रहे थे कि हम CBT 2 इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा अप्लाई हुए कैंडिडेट ज़्यादा हैं, लेकिन उनको यह ज्ञान नहीं है कि 2018 फार्म भरा गया था वो 1.5 करोड़ फार्म था लेकिन इस बार 2019 का जो फार्म है वो 1.35 लाख के करीब 15 लाख 1.15 लाख है लेकिन अच्छा ये जो RRB मतलब NTPC ने जो अपना रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट में भी धांधली हुई है। हाँ देखिए रिजल्ट में धांधली हुई है, उनका कहना है कि हम 20 गुना कैंडिडेट दिए हैं लेकिन वो 20 गुना कैंडिडेट नहीं दिए हैं, 20 गुना रोल नंबर दिए हैं। अच्छा कैंडिडेट नहीं है, एक व्यक्ति का एक पर्सन का उसमें चार चार लेवल पे रिजल्ट है, अगर एक स्टूडेंट को चार चार पोस्ट पर दिखाया गया है और 20 गुना हाँ 20 गुना रिजल्ट दिखाने का भी जबरदस्ती थोपा जा रहा है युवाओं पर। ए युवा है, सरकार का काम है युवाओं को रोजगार देना, अभी तक युवा को रोजगार भी नहीं दे पा रहे और युवा जो है कि पूरे रूप से संतुष्ट भी नहीं है सरकार से। बोलिए सर, ये कोरोना बात है कोरोना की, कोरोना तो एक बहाना है। अच्छा सरकार इस कोरोना के पीछे आड़ में पूरे रेलवे विभाग को प्राइवेट कर रही है, सबको पता है ये बात। अच्छा। लेकिन ये बात चैनल के माध्यम से क्यों नहीं उठाई जा रही है कि आखिर देखिए आज के समय में कोरोना के बहाने की वजह से बहुत सारे ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं या नहीं चलाई जा रही, मात्र 10% 20% ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं पटरी पे, आखिर इसका कारण क्या है? कारण मात्र एक ही है कि कर्मचारियों की कमी है और सरकार को पता है कि कर्मचारियों की कमी है, इस वजह से अच्छा कोरोना बात है कोरोना की तो कोरोना की आड़ में चुनाव हो जाता है और ये एग्जाम नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? एक मान लीजिए कि NTPC या ग्रुप डी में या NTPC में मुश्किल से 1 से 1.5 करोड़ लड़के हैं, जबकि चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है अभी इसमें 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। अच्छा युवाओं को भटकाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि युवाओं को भटकाने के लिए चुनावी मुद्दा से लोगों को हटाने के लिए NTPC का मैटर फंसाया जा रहा है? देखिए पहली बात कि युवा पढ़े लिखे हैं
नेताओं की तरह गधे नहीं है, जो कि बड़े बड़े नेता गधे हैं और सांसद में गधे जैसा पता नहीं चलता है कि एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। अगर मान लीजिए डिबेट में आए तो वही झूठ मूठ का एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, सब एक ही थाली में खाना खाते हैं। और जब जिसकी सरकार आती है रोजगार पे नहीं बोलेंगे, इससे पहले उनका मेन एक ही मुद्दा होता है रोजगार, और जब सत्ता में आते हैं तो रोजगार उनका कहाँ चला जाता है। अच्छा, सर की गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं होने देंगे हम लोग, गिरफ्तारी कभी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बैठ जाएंगे, हम लोग ज्यादा ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। खान सर की गिरफ्तारी होती है, जो हम कर रहे हैं लोग लड़का जो फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी तो कम मात्रा में कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, लेकिन हमारे गुरु ऐसे गुरु खान जैसे सर गुरु जैसे उनकी गिरफ्तारी होती है तो हम लोग और अधिक मात्रा में जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। खान सर की अगर गिरफ्तारी होती है तो इसके खिलाफ आपको लगता है कि लड़के एकदम बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रोशित बहुत ज्यादा हो जाएंगे? देखिए जिस खान सर पे, खान सर कोई भी टीचर हो खान सर मान लीजिए है, आज तक तो है कि ज्यादा ही लोगों का उठ रहा है सवाल, लेकिन कोई भी टीचर हो अगर उस टीचर पे कोई उत्पीड़न हो रहा है तो सारे बच्चे एकजुट हो करके उनके विरुद्ध के पूरे आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे मंत्रालय से कोई भी नेता विधायक अगर सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ विरोध करेंगे, जगह जगह पे करेंगे। अभी खान सर एनटीपीसी को लेकर काफी सतर्क है, युवाओं को लगातार मना रहे हैं कि किसी भी तरह का हिंसा न हो, उन पे 12 धाराओं में जो है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। यहाँ पे लड़के कह रहे हैं कि फिलहाल मैं बनारस में हूँ, बनारस के एक लाज में आया हूँ, यहाँ पे लड़के कह रहे हैं कि अगर खान सर की गिरफ्तारी होती है तो हम लोग फिजिकली प्रोटेस्ट करेंगे। अब बताइए आपका क्या नाम है? आप एनटीपीसी भरत है? अच्छा, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? SSC CGL के बारे में बताइए, कब का सीजन में क्या था कि 2018 का हुआ था? अच्छा, 2018 का भी क्लियर नहीं हुआ, 990 का हुआ है। नहीं देखिए, एनटीपीसी के साथ साथ में एसएससी सीजीएल के भी स्टूडेंट से मिल रहा हूँ, युवा है, कह रहे हैं कि 2018 के बाद से जो है कि अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। अभी मैं आपको दिखा दूं कि जहां पे प्रयागराज में इलाहाबाद का नाम योगी जी ने बदल कर प्रयागराज रख दिया है, ठीक है जो भी है सही हुआ है, लेकिन प्रयागराज में लाज में घुसकर युवाओं को इस तरह से बर्बरता से पीटा गया था जैसे वो अफगानिस्तान से आए और रूम में छिपे हुए इस तरह से उनको बाहर निकाल के पीटा जा रहा था। इसी तरह जस्ट वहां से भी बनाया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़के पढ़ रहे थे, पढ़ने के दौरान पीटा गया था, देख लीजिए ऐसे लड़के हैं अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, आराम से देखिए बुक्स लगाए हैं, बेड लगाए हैं, यहाँ पे पढ़ने की सारी प्रक्रिया कर रखे हैं, और पुलिस प्रशासन घुस के अंदर उनको ऐसी बर्बरता से पीटे जा रहा है जैसे कि वे हर मामले में दोषी हुए, तालिबानियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। एक ने बताया जिन्हें पीटा गया तो वो असल में एनटीपीसी के नहीं निकले, बाद में पता चला मीडिया के जांच पड़ताल में पता चला कि वे नेवी और एयरफोर्स के स्टूडेंट थे। हाँ सर, एक बात और है कि प्रयागराज में एक लड़का, प्रयागराज में पुलिस को बहुत ज्यादा बर्बरता कर दी है लड़कों के साथ, एक लड़का जो बलिया घोसी का था वो दूध लेने जा रहा था, उसकी इतनी पिटाई कर दी गई कि उसका पूरा पीछे से पीठ फटा था। आखिर सरकार उसके खिलाफ, उन पुलिसों के खिलाफ या उस SP के खिलाफ क्या एक्शन लिया, इसके बारे में भी सरकार से आवाज जरूर पूछनी चाहिए, इसके उस पुलिस अधीक्षक या उन पुलिसों के साथ क्या किया गया। जो लड़का फिलहाल जो है कि रेलवे कह रहा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि यही रेलवे बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट को चार चार पद के लिए सिलेक्ट किया गया 20 गुना रिजल्ट बनाने के लिए। फिलहाल पूरे देश भर में जो है कि एनटीपीसी के युवा जो है कि संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब देखना है कि सरकार किस तरह से एक्शन लेती है। नमस्कार, धन्यवाद।